thank mm -hmm. you तरता नि पर शुभ यद्रम तुभ ओम शांति 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 ओम नमस्ते ईश्वर का हाथ सदा सबके सर पर रहता है हम जाने या ना जाने ईश्वर की कृपा उसका प्रेम हम सब पर एक एक जीव पर रहता है और सदा रहेगा ही क्योंकि ईश्वर ने ही हमें पैदा किया है ईश्वर की अनुग्रह से ही हम जीवन जी रहे हैं ईश्वर अपनी जिम्मेदारी से कभी हटता नहीं और ईश्वर की ही जिम्मेदारी है कि जो उसने पैदा किया है उसका ख्याल रखना ईश्वर का विधान इतना सम्यक इतना कुशल कि उसके विधान में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होता हम भ्रम में मिथ्या अभिमान में अज्ञान में ये माने मानते ही हैं कि हमारे साथ अन्याय किया भगवान ने ये ठीक नहीं किया ये ठीक नहीं किया परंतु सत्य यही है कि भगवान न्यायकारी है भगवान सदा न्याय करता है सबसे प्रीति करता है दया करता है क्योंकि हम सब उसके हैं वो हमारा है और जो भगवान पर श्रद्धा रखते हैं विश्वास करते हैं वो भी यही मानते हैं कि भगवान मेरे साथ या किसी के साथ भी अन्याय नहीं करता किसी से द्वेष नहीं करता किसी की उपेक्षा नहीं करता हम स्वयं ही अपनी उपेक्षा करते हैं हम स्वयं ही अपने साथ अन्याय करते हैं अपने को न जान करके, भगवान को न मान करके अपने सामर्थ्य का सदुपयोग न करके बुराइयों का दोषों का त्याग न करके अच्छाई को स्वीकार सत्य को स्वीकार न करके हम स्वयं के साथ अन्याय करते हैं अपने को बुरा मान करके हम स्वयं से द्वेष करते हैं और दूसरों को बुरा मान के हम दूसरों से द्वेष करते हैं दूसरों के साथ भी जो अपने साथ अन्याय कर रहा है वो किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता और जो दूसरों के साथ अन्याय कर रहा है वो अपने साथ ही अन्याय कर रहा है जो अपने से द्वेष कर रहा है अपने को बुरा मान रहा है वो किसी को अच्छा नहीं मान सकता और जो दूसरों से द्वेष कर रहा है वो अपने से ही द्वेष कर रहा है अपने से वह प्रीति नहीं कर सकता क्योंकि मैं और तू सब एक ही है हर देश में तू एक भजन गाया है ना तो गुरु जी महाराज ने हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है यह दिव्य दिखाया है जिसने वह है गुरुदेव की पूर्ण दया वह है गुरुदेव की पूर्ण दया तो कहे कोई ना और दिखा बस मैं और तू सब एक ही है हर देश में तू हर देश में तू तेरे नाम अनेक एक 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 ही 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 है, है। है, तेरे नाम अनेक ही है। जब वस्तु एक ही है, तब एक ही वस्तु से हम एक ही समय पर प्रेम और द्वेष नहीं कर सकते हम या तो प्रेम ही करेंगे या तो द्वेष ही करेंगे हमें दिखता जरूर है कि आख खोला तो एक चीज बाहर दिखी और एक देखने वाली देखी लेकिन जब आंखें बंद रहती हैं तो सब कुछ एक हो जाता है कुछ अलग नहीं होता जब हम गाढ़ निद्रा में रहते हैं तब भी सब कुछ एक हो जाता है कुछ अलग नहीं होता हम प्रेम करेंगे तो भी स्वयं सही करेंगे द्वेष करेंगे तो भी स्वयं सही करेंगे बस आंख खोल करके हमें ऐसा भ्रम होता है कि हम उससे द्वेष कर रहे हैं जो हमें वहां दिख रहा है हम अपने से नहीं कर रहे अपने से तो, तो हम प्रेम कर रहे हैं हम उससे द्वेष कर रहे हैं जो हमें उधर देख रहा है हम उससे प्रेम कर रहे हैं जो हमें उधर देख रहा है और हम उससे द्वेष कर रहे हैं जो हमें उधर देख रहा है लेकिन आंख बंद करके देखें कि हमने किससे द्वेष किया था वहां दिख रहा है कोई नहीं हमने अपने से ही द्वेष किया एक द्वेष की भावना पूरे मन में कहीं भी प्रेम की भावना उदय नहीं हो सकती जिस मन में प्रेम है उस मन में द्वेष की एक लेश मात्र भी बूंद नहीं हो सकती और जिस हृदय में द्वेष है किसी के प्रति घृणा है नफरत है शोक है उस हृदय में लेश मात्र भी प्रेम की लहर नहीं उठ सकते एक ही तरह का भाव होगा क्योंकि भाव उठ रहा है हृदय में हम बांट नहीं सकते कि हम ये दस लोगों को चाह रहे हैं उन दस लोगों से द्वेष कर रहे हैं क्योंकि जो आधार है जहां हम चाह रहे हैं वो एक ही है एक ही है वो हृदय वो आत्मा जो उस भाव को उठा रही है चाहे वो किसी के लिए भी क्योंकि आत्मा भी एक ये जगत भी एक परमात्मा भी एक सागर में कितनी भी बूंदे हो, लेकिन सागर तो एक ही है इस ब्रह्मांड में कितने भी गोल पिंड हो ग्रह नक्षत्र हो, तारे हो, लेकिन ये ब्रह्मांड तो एक ही है वैसे ही इस शरीर में इस आत्मा में कितने भी अंग हो मन में कितने भी विचार हो मन तो एक है शरीर में कितने भी अंग हो शरीर एक है और एक शरीर में कहीं भी दर्द होता है तो पूरे शरीर में दर्द फैल जाता है ये उंगली यदि हमारी कट गई या किसी ने काट ली तो क्या कहेंगे कि बाकी शरीर हमारा सुखी है बस ये इतना शरीर हमारा दुखी है पूरा शरीर दुखी हो जाता है एक जगह दुख होने पर मन में एक विचार खराब आ गया एक किसी ने हमारे मन में अपमान का विचार आ गया दुख का विचार आ गया किसी अपने प्रिय से वियोग का विचार आ गया तो ये कहेंगे क्या कि हमारे मन तो बहुत बड़ा होता है विशाल है मन पूरा सुखी है बस एक विचार दुखी है पूरा मन ग्रस लेता है इसी तरह पूरी आत्मा धूमिल हो जाती है पूरी आत्मा मिथ्या हो जाती है यदि हमारा कर्म ठीक नहीं है तो शारीरिक मानसिक बौद्धिक हमारी क्रियाएं ठीक नहीं है तो आत्मा नष्ट होने लगती है आत्मा दुखी हो जाती है आत्मा पीड़ित हो जाती है और हमारे अंदर जो परमात्मा बैठा है हम उसी को दुख पहुंचा रहे हैं हालांकि परमात्मा तो कभी दुखी नहीं होगा लेकिन हम दुख जरूर पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं वो कौन माता पिता खुश होंगे जिनके बच्चे दुखी हों माता पिता भी दुखी हो जाते हैं जब बच्चे दुखी होते हैं हम सब उसकी संतानें हैं हमारे दुख में अज्ञान में पीड़ा में रहने से भगवान को भी दुख होता है परंतु भगवान तो लौकिक माता पिता की तरह थोड़ी है भगवान तो सर्व सामर्थ्यवान है भगवान के पास ये सामर्थ्य आनंद में रहने की सदा अप्रयत्न रहने की इसलिए वो हमारे लिए सोचता है करना चाहता है करता है लेकिन दुखी नहीं होता हम कितना भी नरक में चले जाएं कितना भी खराब जीवन जिएं कितना भी गलत सोचें अवसाद में चले जाएं, लेकिन भगवान दुखी होकर के हमारा त्याग नहीं करता कि हिम्मत हार जाए कि इसका तो कुछ नहीं होने वाला ये तो युगों युगों से नारकीय जीवन ही जी रहा है भगवान उसी धैर्य में उसी स्थिरता में उसी आनंद में हमारे भीतर स्थिर रहते हैं कि ये कभी तो मेरे आनंद से जुड़ेगा ये कभी तो मेरे प्रकाश तक पहुंचेगा और भगवान हमें सदा प्रेरणा देते रहते हैं सदा प्रकाश देते रहते हैं सदा उम्मीद जगाए रहते हैं सदा नया जीवन देते रहते हैं ये भगवान की कृपा है हम सब के ऊपर अनंत कृपा अनंत कृपा हम माने या ना माने या हम जाने या ना जाने और हमारी बुद्धि कितनी है कि हम जान जाएंगे वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि साधारण मनुष्य अपनी बुद्धि का तीन चार प्रतिशत प्रयोग कर रहा है और जो बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी हैं आइंस्टीन जैसे वो भी अपनी बुद्धि का सात से आठ प्रतिशत प्रयोग कर रहे हैं कोई भी अपनी बुद्धि का दस प्रतिशत भी प्रयोग नहीं कर रहा है इस धरती पर सौ प्रतिशत तो दूर की बात है सौ प्रतिशत हो जाए तो हम और ईश्वर एक हो जाए जैसे ऋषि ने अपनी बुद्धि की पराकाष्ठा में उस ईश्वर को जाना उससे एक हुए परंतु साधारण मनुष्य अपनी बुद्धि का तीन चार प्रतिशत प्रयोग करता है कुछ कुछ तो एक दो प्रतिशत ही प्रयोग करते हैं जो ज्यादा इस संसारिकता में लगे रहते हैं दिन दिन भर बातें करते रहते हैं दूसरों की बुराई करते रहते हैं नशा करते रहते हैं या चलचित्र देखते रहते हैं उनकी बुद्धि तो कम होती है लेकिन बस उतनी बुद्धि चलती है कि चलो अब भूख लगी है खा लिया जाए अब नींद आ रही है सो लिया जाए चलो थोड़ा साफ सुथरे कपड़े पहन लिए जाए बहुत बदबू आ रही है इतनी बुद्धि बस काम करती है आदमी की बुद्धि को सूक्ष्म करना और बुद्धि को शुद्ध करना तभी संभव होता है जब हम अपनी बुद्धि का समर्पण कर दें ईश्वर के आगे या गुरु के आगे सत्य ईश्वर और गुरु का अर्थ है सत्य के आगे सत्य क्या है जो सदा से था सदा है सदा रहेगा वो सत्य है सत्य ये है और असत्य क्या है जो हमारा कभी नहीं था और हमारा कभी नहीं होगा हम उसको तो सत्य मानते हैं जो असत है हम उसे सत्य मानते हैं इस शरीर को इन वस्तुओं को इस पद को कि यही सत्य है लेकिन ये पहले हमारे नहीं थे और कुछ दिन बाद भी हमारे नहीं होने वाले क्या ये सदा हमारे साथ रहेंगे नहीं हमें पता ही है ये सदा साथ नहीं रहेंगे फिर भी हमने इन्हें सत्य माना और इनके आगे अपनी बुद्धि का सरेंडर किया है और भगवान को मानते हैं कि वो तो दिखता नहीं वो तो है नहीं बस उसकी बातें हो रही हैं तो उसे माने कि ना माने उसे मानने पर कहीं हम लॉस में तो नहीं रहेंगे अपनी बुद्धि से ही जीते हैं चलो उसने हमें ऐसा कहा हम उसे ऐसा करेंगे हमारी ये हानि हो रही है चलो हम इधर से शॉर्टकट से अपना लाभ करेंगे हम उसको ऐसा बोलेंगे हम उसको ऐसा करेंगे जैसे कि और हम कर किसके लिए रहें हम कर रहे हैं बस अपने मानसिक सुख के लिए आत्मिक सुख के लिए भी नहीं मानसिक सुख के लिए दूसरों को पीड़ा पहुंचाना दूसरों को छोटा करना या धन के लिए या पद के लिए या सम्मान के लिए बस इसी असत को हमने प्रधान माना है और हम अपने आप को वास्तविक भी कहते हैं फिर हम अपने आप को भक्त भी कहते हैं शिष्य भी कहते हैं साधक भी कहते हैं योगी भी कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि दूसरे कह रहे हैं दूसरे कहते हैं तो हम मान जाते हैं कि अरे चलो हम है ही तभी तो दूसरे कह रहे हैं देखो उस बड़े व्यक्ति ने भी कह दिया उसे तो सब मानते हैं जब वही हमें साधक कह रहा है शिष्य कह रहा है तो हम हैं ही इसी अहंकार में हमारा पूरा जीवन चला जाता है कि हम असाधना करते हुए भी हम अपने आप को साधक मानते हैं नास्तिकता में जीवन जीते हुए भी हम अपने आप को आस्तिक कहते हैं गुरु के प्रतिकूल आचरण करते हुए भी हम अपने आप को शिष्य कहते हैं इसी मिथ्या अभिमान में यह जीवन चला जाता है कितने जीवन चले जाते हैं जीवन नरक नष्ट हो जाता है कि हम अपने आप को आस्तिक कहते हैं और भगवान हमें याद नहीं आता कभी भगवान को हमें याद करना पड़ता है एक घंटा आधा घंटा बैठ करके उस आधे घंटे में भी संसार हमें याद आता है कि क्या हो रहा है वहाँ पे मेरे बिना क्या होगा पता नहीं वो दुकान संभाल भी रहा है अच्छे से नहीं घर पे क्या हो रहा है कुछ गड़बड़ ना हो जाए उस आधे घंटे में भी जो हमने भगवान के लिए निकाला था उसमें भी हमें अपना सुख याद आता है संसार याद आता है और फिर हम अपने को कहते हैं कि हम भक्त हैं हम साधक हैं हम आस्तिक हैं हम सम्मानित हैं और हमें सम्मानित होने की कोई आवश्यकता नहीं है भगवान ने हमें पैदा किया है तो फिर कैसा सम्मान और कैसा असम्मान भगवान ने जिसे पैदा कर दिया भगवान जैसी दिव्य महानतम शक्ति ने जिसे पैदा कर दिया वो कैसे सोच सकता है कि मुझे सम्मान प्राप्त करना है सम्मान प्राप्त करना तो वही सोचेगा जिसके पास सम्मान नहीं है जो अपमानित हो रहा है जो अपनी नज़रों में ही अपना सम्मान नहीं कर रहा है जिसका दूसरे सम्मान नहीं कर रहे हैं वो अपना भी सम्मान नहीं कर रहा है सम्मान की इच्छा तो उसी को होगी कि चलो दूसरे करने लगे मेरा सम्मान और दूसरे करेंगे बोलेंगे तो उनके बोलते बोलते मैं भी मानने लगूंगा देखो मैं सम्मानित हूँ लेकिन दूसरे आज कुछ बोलेंगे कल कुछ बोलेंगे परसों कुछ बोलेंगे हमारा जीवन उन्हीं को नापने तोलने में निकल जाएगा और अंत में फिर असम्मान ही साथ में रहना है अपमान ही साथ में रहना है इतना ही तय है इतना तय है कि जो बाहर सम्मान ढूंढ रहा है उसका सदा अपमान होना है और अंत में उसका अपमान होना ही होना है लेकिन जो सम्मान और अपमान में सम हो गया जिसे अपने मूल का ईश्वर का पता चल गया और ईश्वर से ईश्वर का एकाधिकार ईश्वर का इससे अपना एकत्व पता चल गया तो फिर उसके लिए सम्मान अपमान बाहरी सम्मान अपमान सब बराबर सुख दुख बराबर सर्दी गर्मी बराबर हानि लाभ जय पराजय सब बराबर वही तो योग में स्थित है यही योग की स्थिति है समत्वम योग उच्चतय सुख दुखे समय कृत् लाभ जय पापम नापापी फिर कोई पाप नहीं फिर तो जीवन पुण्यमय हो जाएगा आनंदमय हो जाएगा योगस्था कुरु योगस्थ कुरु कर्माणी कि योगस्थ होकर के अपने कर्म करो अर्थात ईश्वर का होकर के अपने कर्म करो अर्थात इस संपूर्ण जगत को ईश्वर का ही अंश मान करके स्वयं को भी ईश्वर का अंश मान करके सभी को अपना भाई बहन मान करके यानी सभी से एक हो करके, सभी में एक ही आत्मा है सभी एक ही ईश्वर की संतान है सभी एक ही ईश्वर से पैदा हुए हैं सब ईश्वर से ही बने हुए हैं सब उसी में लय होंगे आज हैं कल नहीं होंगे योगस्थ होकर के अपना कर्म करो योग में स्थित होकर के योगस्थ गुरुकर्माणी संगम त्यक्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूतवा समत्वम योग उच्चते इस जगत में हमें क्या प्राप्त हुआ क्या प्राप्त नहीं हुआ उसके बारे में चिंता न करके हमको सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी उसके बारे में भी चिंता न करके केवल योग में स्थित होकर के कर्म करो और कोई भी कर्म करो जैसी तुम्हारी इच्छा जैसी तुम्हारी प्रकृति जैसा परमात्मा का आदेश निर्देश उपदेश गुरु का वैसे कर्म करो और फिर तो यहां तक कह दिया भगवान ने उत्साह बढ़ाने के लिए कि जब तुम ऐसे कर्म करोगे तो तुम्हारा खुद का अहंकार कर्म नहीं कर रहा होगा तुम तो यंत्र बन जाओगे ईश्वर के उस परम सत्ता के यंत्र बन जाओगे और जब तुम अपने अहंकार से कर्म नहीं करोगे योगस्थ होकर के कर्म करोगे मुझसे एक होकर के कर्म करोगे तो तुम्हारा अहंकार कर्म नहीं करेगा फिर तो मैं ही कर्म कर रहा हूं तुम्हारे भीतर से न तुम्हें तो अहंकार रहेगा न तो किसी कर्म को करने की आसक्ति रहेगी किसी वस्तु व्यक्ति या सिद्धि पाने की कोई आसक्ति भी नहीं रहेगी फिर तो तुमसे जो होगा धर्म होगा जो होगा न्याय होगा जो होगा भला होगा और ऐसा करने वाला पूरे विश्व की भी हत्या कर दे तो उसे पाप नहीं लगेगा ऐसा भगवान ने उत्साह वर्धन करने के लिए अर्जुन को कहा हम सब को कहा गीता में कहा यसे नाहंकृतो भावो बुद्धिर यसे न लिप्यते हत्वा अपी सीमान लोकान न हंति न निबद्धते फिर वो कर्म बंधन में नहीं पड़ता इसीलिए सबको ईश्वर की दृष्टि से ही देखना हमारे भीतर ईश्वर है हम ही ईश्वर हैं लेकिन फिर इसका भी अहंकार नहीं अभिमान नहीं हम ही ईश्वर हैं का मतलब है ये कण कण ईश्वर से बना है बस ये जो हम अलग सोच रहे हैं तो भगवान ने हमें एक अलग अहंकार दे रखा है प्रेम के लिए क्यों प्रेम तो दो में ही होगा प्रेम तो एक में होगा नहीं और भगवान को आनंद करना है तो भगवान चाहते हैं कि हम जो दो हुए हैं तो ये इससे प्रेम करने लगे जैसे कि हम शीशे में अपने आप को देखते हैं तो हम अपनी छवि से जैसे प्रेम करने लगते हैं इतना सुंदर है वैसे ही यह अहंकार अपने बड़े अहंकार ईश्वर से प्रेम करने लगे और यह जो छोटा अहंकार है यह अलग ना माने अपने आप को अलग अस्तित्व ना माने यह मेरा ही अंश माने तो यह हमारा अलग अहंकार इसलिए है ईश्वर से प्रेम के लिए और जगत की सेवा के लिए जगत की निष्काम सेवा के लिए इसकी खुद की कोई कामना नहीं क्योंकि इसका खुद का अस्तित्व ही नहीं है ये तो बस एक छाया है प्रभु की हम सब छाया हैं प्रभु की और ये छाया है कि ये अपने मूल ईश्वर से प्रेम कर सके और इस जगत की सेवा कर सके और इसकी खुद की कोई कामना ना हो खुद की कोई इच्छा ना हो और यही भगवान हमसे चाहते हैं कि यह जो हमारा अहंकार है यह जो जीव है यह जो मैं हूं या किसी से द्वेष ना करे कि वो ऐसा क्यों वो ऐसा क्यों उसने ऐसा क्यों बोला उसने ऐसा क्यों किया जो हो रहा है होने दिया बस ईश्वर जो प्रेरणा दे रहा है उसको किया इस जगत से कोई बैर कोई द्वेष ना किया क्योंकि ये जगत तो आज है कल नहीं रहेगा तो इससे द्वेष क्यों करना ये व्यक्ति आज है कल इसका शरीर मर जाएगा इससे द्वेष क्यों करना क्यों करना क्योंकि द्वेष तो सदातन रहेगा द्वेष तो सदा रहेगा द्वेष थोड़ी मिटेगा आदमी मर जाता है द्वेष नहीं मरता आदमी मर जाता है उसका मोह नहीं मरता हमारे हृदय में हमारा कोई प्रिय है वो मर गया तो उसकी प्रियता थोड़ी मिटेगी वो तो उस वही प्रियता याद याद करके आंसू आते रहेंगे और कोई द्वेष किसी से करते हैं वो भी मर गया हम भी मर गए लेकिन वो द्वेष नहीं मरता वो तो सदा छप जाता है चित्त में इसलिए जो चीज कल नहीं रहने वाली उससे कैसा द्वेष करना और कैसा मोह करना उसकी कैसी इच्छा करना इसलिए सेवा जो भी हमारे पास है उससे इस जगत की सेवा और जो हम हैं हम ईश्वर के हैं तो ईश्वर से प्रीति आत्मा तो शुद्ध है क्योंकि वो भगवान की ही छाया है हमारा अहंकार शुद्ध है क्योंकि हम भगवान की ही छाया हैं और हम सब का अहंकार शुद्ध क्योंकि हम सब उसकी छाया उसी के बनाए हुए हैं तो हम कम कैसे हो सकते हैं हम थोड़े कैसे हो सकते हैं हम अपने आप को कम कैसे आंक सकते हैं हम तो उसी के हैं उसी के लिए हैं उसी से हैं और भगवान चाहता है कि ये मेरा ही हो जाए क्योंकि ये मेरा ही है भगवान ने हमको पैदा किया कि हम उससे प्रेम कर सकें और हम भले ही इस जगत की सेवा करें या ना करें करें तो बहुत अच्छी बात है लेकिन कुछ गलत ना करें ईश्वर से प्रेम करने के बाद तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता फिर तो हरि व्यापक सर्वत्र समान, ईश्वर ही हर जगह दिखेगा और फिर सबसे सेवा करनी नहीं पड़ेगी सेवा अपने आप होगी यंत्र बनने के बाद यंत्र का फिर खुद में कोई सामर्थ्य नहीं रहता जो यंत्र होता है फिर वो तो यांत्रिक के हाथ में रहता है ईश्वर के हाथ में हम हो जाएंगे ईश्वर हमसे करा रहा है हम नहीं कर रहे ऐसी स्थिति हमारी आए और ऐसी स्थिति संभव है जब हम भगवान को मान लें, उसके हो जाएं, और फिर जो हमसे होगा वो सब दिव्य ही होगा दिव्य कर्म होंगे जिसका दिव्य फल साक्षात ईश्वर की सनातन प्राप्ति हमें होगी सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ नमस्ते